हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम एक कवर पैड बनाएंगे बहुत ही इजी वे में। मैं आपको बताऊंगा, और बिल्कुल अगर आपके पास बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप सीख सकते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल एन करके यहाँ एक न्यू फाइल लेंगे। यहाँ 18 और 12 और 200 इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं, और ओके कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना काम होने के बाद दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है इसमें। यहाँ दोस्तों सबसे पहले एक पट्टी बना लीजिए, आप एम टूल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ एक पट्टी को बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, और कंट्रोल जे कीजिए और इसको कंट्रोल आई कर दीजिए। ठीक है, और अब आप सिंपल यहाँ क्या कीजिए, एम टूल को फिर से प्रयोग कीजिए और ये जो दो नंबर इसका है जो टूल, उसको उसमें जाइए और शिफ्ट दबाकर इसको ऐसे करके गोल चक्कर बना लीजिए। बैकग्राउंड को फिर से सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल जे दबा दीजिए। ठीक है, कंट्रोल आई करके इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको आप बड़ा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना काम होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इसमें लेयर, सॉरी, इसको कॉपी कीजिए। ये जो इसकी लेयर है, गोल चक्कर की ले रहा है, इसको कंट्रोल जे दबाकर कॉपी करेंगे। कंट्रोल जे दबाते हैं तो दोस्तों इसकी कॉपी हो जाती है, ये देखिए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूँ। ओके, अब जो पीछे वाली लेयर है, ये जो गोल चक्कर था, इसको कंट्रोल यू से आप कर दीजिए वाइट। ओके दोस्तों, इतना काम होने के बाद दोस्तों अब हमें बॉर्डर दिख नहीं रहा है वो वाइट वाला, तो इसलिए हम लेयर में जाएंगे। लेयर में जाके लेयर स्टाइल और आउटर ग्लोर है ना, उसको क्लिक करेंगे। यहाँ दोस्तों नॉर्मल कर दीजिए और यहाँ ब्लैक कर दीजिए। ओके, और इसको आप यहाँ से इसकी स्मूथनेस है थोड़ी सी बढ़ा दीजिए और ओपेसिटी इसकी कम कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ हमें दिखने लग गया है। पट्टी को हम दोस्तों इसके पीछे कर देते हैं, कंट्रोल ब्रैकेट दबाकर पट्टी को हमने पीछे कर दिया इसके। ठीक है, ठीक है, अब ये अच्छी लग रही है फोटो। ओके दोस्तों, इतना काम होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा एनिमेशन हम यूज करते हैं। एनिमेशन के लिए फ्लावर्स होते हैं, जो उसको आप खींच के इधर ले आइए। ये कुछ फ्लावर्स हैं, मैं इनको ले आता हूँ इधर। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स कीजिए और इसको बंद कर दीजिए और यहाँ जाके कंट्रोल वी कर दीजिए पेस्ट। ठीक है, इसकी साइड में चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल टी दबा के, और इसको हॉरिजेंटल पे मैं कर देता हूँ। इसको बड़े कर लीजिए आप छोटे तो, और इसको इस तरीके से आप लगा दीजिए यहाँ। ओके, आप चाहें तो इनको थोड़ा बहुत कंट्रास्ट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इतने ये मैं अच्छे लग रहे हैं। और अब आप चाहें तो इसको, इसका जो कलर है पट्टी का, वो मैं सिंपल इस कलर का कर देता हूँ। ये जो फ्लावर्स है उसी कलर के लगभग कर देते हैं हम। तो इस टूल को सिलेक्ट कीजिए और इस पर इंक्रीज कर दीजिए। ओके, अब कंट्रोल टी कीजिए और इस पर राइट क्लिक करके वर्ब पे क्लिक कीजिए। तो इसकी हम थोड़ी सी शेप को चेंज कर देते हैं, पट्टी की जो शेप है ना, उसको आप इस तरीके से इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए। ठीक है, और इसको मैं इधर करता हूँ, इसको इधर करके, और इस तरीके से मैं इसकी शेप है जो चेंज कर देता हूँ। ओके, ये देखिए इसकी शेप चेंज हो गई है। ठीक है, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं, कंट्रोल टी दबाकर, और बीच में से इसको करेंगे तो इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। ओके, इसको आप कॉपी कीजिए, आल्ट दबाकर मैंने इसको कॉपी किया, आल्ट और शिफ्ट दबाकर, और इसकी ओपेसिटी है जो पहली लेयर की, थोड़ी सी कम कर दीजिए ताकि ये थोड़ी सी अच्छी दिखनी स्टार्ट हो जाए। इस तरीके से दो तीन कॉपी कर देता हूँ इसकी मैं। ठीक है, इधर भी मैं इसको ऐसे करके कॉपी करके और इसको दो तीन जगह कॉपी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए बीच में से हमें अच्छी लग रही है ये। एक कॉपी हम इसकी ऐसे करेंगे और इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री पे, तो यहाँ भी ये पीछे आ जाएगी।
इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए टेढ़ा मेढ़ा, और इसको जीरो ओपेसिटी कर दीजिए। ठीक है, कहने का अर्थ है भी ये पत्तों के साथ मिक्स हो जाए और ये जो फ्लावर हमारे फ्लावर्स वगैरह हैं, इसको हम फूल पत्ती को ओवरले करके देख लेते हैं कि ये कहाँ अच्छे लगते हैं, वहाँ हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो, अदरवाइज आप इनको ऐसे ही पड़े रहने दीजिए तो भी अच्छे लग रहे हैं। ओके दोस्तों, इतना काम होने के बाद दोस्तों आप चाहें तो यहाँ एक पट्टी भी बना सकते हैं, जैसे कि एम टूल सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, और इसको आप इस तरीके से एक लाइन बना दीजिए यहाँ बैकग्राउंड पे। ठीक है, कंट्रोल जे दबाइए। ठीक है, और इसका कलर है जो इसके जैसा ही कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, सेलेक्ट में जाकर लोड सिलेक्शन किया और ओके किया, और आल्ट दबाकर बैक स्पेस दबाया, तो ये हमारी एक लाइन बन चुकी है अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, ये देखिए, आल्ट और शिफ्ट दबाकर दोबारा कॉपी किया, आल्ट और शिफ्ट दबाया, ये उतने ही गैप में ये कॉपी होती जाएगी। आप देख लीजिए कितने का आपने करनी है। ओके, तो इन सभी लेयरों को मैं जोड़ देता हूँ, कंट्रोल ई करते जाइए तो ये ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। ये देखिए हमारी लेयर्स जुड़ चुकी है, इसको आप ऐसे कीजिए और यहाँ लगा दीजिए। ओके, तो ये अच्छी लग रही है। अगर आपने प्लेन लगानी है तो प्लेन पट्टी भी लगा सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये, और यहाँ प्लेन पट्टी है जो उसका यूज करता हूँ, इसी कलर की प्लेन पट्टी में कंट्रोल ब्रैकेट दबाया मैंने, जैसे एम टूल दबा के। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। ओके, कंट्रोल जे दबाया और सेलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन एंटर, और इसको बैक स्पेस दबा के, आल्ट दबा के बैक स्पेस दबाया, तो ये अच्छी बन चुकी है। ठीक है, अब इसको एक बार कॉपी कीजिए आप। ओके, और इसको पीछे कर दीजिए और इस कंट्रोल यू से थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, तो ये बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जे दबाकर मैंने इसको कॉपी किया, और जो कॉपी वाली लेयर थी उसको उसके पीछे कर दिया और उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और कंट्रोल यू से मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया, तो इतना काम हो गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब हम इस पे स्नैप लेके आते हैं कोई भी, यहाँ से दोस्तों आप फोटोज कोई भी अपने लगा सकते हैं। ये फ़ोटो कंट्रोल ए और कंट्रोल एक्स किया और इसको नो किया, इस पे गए और डब्ल्यू से इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, जूमिंग वगैरह आप अपने हिसाब से फ़ोटो रख सकते हैं। ओके दोस्तों, आप चाहें तो इस पे कोई वर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे कि ये वर्डिंग है मेरे पास थोड़ी बहुत पड़ी है, तो उसमें से मैं कोई भी वर्डिंग उठा के, जैसे ये वर्डिंग है तो इसको मैं सिंपल यहाँ से खींच के यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ आपका नाम आ जाएगा, ओके, टी से मैंने नाम लिखा, ये देखिए। नाम का कलर दोस्तों वैसे ही कर देता हूँ मैं जैसा बैकग्राउंड का कलर है, ये फूल पत्ती पत्ती का कलर है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये बना सकते हैं, यहाँ भी चाहें तो आप कुछ लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऐसे रहने दीजिए, ये थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप यहाँ ये ले आइए कुछ भी, जैसे मैं इसको ले आता हूँ, ये देखिए इसको खींच के ले आया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको स्क्रीन कर दीजिए आप, अगर दिख नहीं रहा है तो कंट्रोल आई करेंगे तो ये दिखने लग जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं।
ये देखिए, ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कवर। इसका बैक साइड बनाना हो तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब हम इसका बैक साइड बनाते हैं। बैक साइड में क्या कीजिए दोस्तों, इसी कलर का ही हमें बनाना है। तो चलो जल्दी से मैं बना देता हूँ, इसको डिलीट कर दीजिए। क्योंकि नाम हमें बैक साइड में नहीं लिखना होता है। ओके, तो आप इसको सिंपल इस तरीके से यहाँ कर दीजिए, कंट्रोल रेक्ट दबाकर इसके पीछे कर दीजिए। ठीक है, ओके। और यहाँ एक पट्टी से, यहाँ दोस्तों एम टूल से एक बनाइए पट्टी। चलो पट्टी नहीं, मैं हार्ट बना देता हूँ यहाँ। ये देखिए, यहाँ क्लिक कीजिए आप और यहाँ से हार्ट की शेप है जो सेलेक्ट कीजिए, बैकग्राउंड को सेलेक्ट कीजिए और इस तरीके से बना दीजिए। कुछ भी बना सकते हैं अपने दिमाग से, और कंट्रोल जे दबा दीजिए। ठीक है, ये देखिए ब्लैक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बन चुका है हार्ट। और इसको आप, इसको बॉर्डर दे दीजिए। अब सिंपल बॉर्डर देंगे हम, इमेज रोटेट, सॉरी, या तो आप इसको कंट्रोल जे करके वैसे ही कर दीजिए ना जैसे किया था। कंट्रोल जे किया और इसको पीछे वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए इसको, और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ओके, और ये देखिए ब्रश है जो, इसको इंक्रीज कर दीजिए इससे। ओके, तो ये हमारा बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये पट्टी है जो इसी कलर का ब्रश होना चाहिए आपका, ये बॉर्डर है जो, तो ये अच्छा लगेगा। इमेज में जाइए, इमेज लेयर स्टाइल, और आउटर ग्लोर से मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक शेडो दे देता हूँ इसकी थोड़ी सी। ओके, ठीक है, आप चाहें तो इसको टेढ़ा मेढ़ा करके भी रख सकते हैं, इस तरीके से चाहे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ दोस्तों आप इस तरीके से वेडिंग सेरेमनी लिख लीजिए। इसका जो कलर है वो मैं इसके जैसा कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम का हम सेरेमनी को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ से दोस्तों सेटिंग, और यहाँ से इसको मैं 48 का कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे करके कैसे भी नाम की शेप आप दे सकते हैं। ओके, ठीक है, इस पे भी हम एक फ़ोटो को लगाएंगे। कोई भी फ़ोटो आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं ये फ़ोटो ओपन करता हूँ और इस पे इमेज एडजस्ट, इमेज रोटेट और जीरो दबाकर मैंने इसको रोटेट रोटेट कर दिया। कंट्रोल टी दबाकर आप इसको यहाँ ले आइए। आप चाहें तो यहाँ कपल की फ़ोटो भी लगा सकते हैं दोस्तों। ओके, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देता हूँ मैं। ठीक है, इमेज इसमें मैं थोड़ा इफेक्ट दूंगा। ये देखिए इफेक्ट, इसी कलर का मैं इफेक्ट दे रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ यहाँ से। इमेज में एडजस्ट में और ग्रेडियंट मैप लगाएंगे तो ये इफेक्ट आ जाएगा इस पर।